स्वर्गीय सैयद सगीर अहमद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक सभा का आयोजन किया गया। योगी सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर चौराहे पर बने चौधरी कॉम्प्लेक्स पर आज स्वर्गीय सैयद सगीर अहमद की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संचालन करते हुए पूर्व विधायक सौलत अली ने स्वर्गीय सगीर अहमद साहब के बीते समय के बारे में बताया और कहा कि सगीर अहमद सहनशीलता की मिसाल थे। साथ ही उन्होंने समाजवाद को सचमुच अपने जीवन में साक्षात रूप से उन्होंने उतारा था और कहा कि सूफी संत की जिंदगी को सगीर अहमद साहब ने जिया है, इसीलिए उन्हें समाजवाद का प्रिय भी कहा जाता है। स्वर्गीय सगीर अहमद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के भी अभिन्न मित्र थे, जिसके चलते आज स्वर्गीय सगीर अहमद के फोटो पर फूल अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर शोक सभा को मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित लोगों ने उनके फोटो पर फूल अर्पण किए। शोक सभा में उपस्थित लोगों ने अपने विचार भी रखे। पूर्व विधायक सौलत अली ने शोक सभा के दौरान मीडिया के सामने रूबरू होते हुए पूछे गए हाथरस मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हाथरस, बुलंदशहर, बलरामपुर, उन्नाव और अन्य कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सरकार की हठधर्मी और मनमानी ना एहतियात योगी सरकार के सामने आई है, जिसमें पूर्व विधायक सौलत अली ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर प्रशासन हावी है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस सरकार को देश प्रदेश नहीं चला सकते। किन की शोक सभा की गई है? जनाब सैयद सगीर अहमद साहब पुराने सोशलिस्ट लीडर थे और चंद्रशेखर जी के बहुत करीबी साथियों में से थे और हमारे वालिद मरहूम जनाब रियासत हुसैन साहब के भी बहुत करीबी दोस्त थे, जो हमारी सोसाइटी रियासत हुसैन मेमोरियल सोसाइटी मनवाज चल रही है, जिसके तहत बरसी मनाई जाती है बाबू रियासत हुसैन साहब की, इसके वो अध्यक्ष भी थे पिछले 35 वर्ष। उनका पिछले 27 सितंबर को स्वर्गवास हो गया सहसवान बदायूं में, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे और हमारे पारिवारिक सरपरस्त भी थे, इसलिए उनके श्रद्धांजलि उनको देने के लिए और एक शोक सभा का यहाँ पर अपना आयोजन किया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। अच्छा, अब जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको किया गया? अभी नहीं, अभी अध्यक्ष किसी को नियुक्त नहीं किया गया, अभी जो शोक का समय चल रहा है, हफ्ते 15 दिन के बाद में जब ये समय बढ़ जाएंगे कार्यक्रम तो फिर बैठ करके तय करेंगे। अच्छा, देश के अंदर जो हाथरस में एक मामला सामने आया है, एक घिनौनी हरकत की गई थी, वहाँ के प्रशासन ने तानाशाही की है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? तो अकेले हाथरस ही क्या, हाथरस में हुआ, बलरामपुर में हुआ है, सब जगह शहर में हुआ है, बहुत जगहों पर हो रहा है, रोजाना एक दो जगह चार जगह के कांड आ रहे हैं, उससे पहले उन्नाव और सभी को हो चुका है। सरकार की हठधर्मी, मनमानी और ना अहलियत मुख्यमंत्री की, जो तो मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी जी, उनकी ना अहली, यानी वो इस लायक नहीं है कि देश प्रदेश को चला सके, ये उनकी ना अहली है, जिससे प्रशासन हावी है उनके ऊपर और ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी हर जगह कर रही है, पुलिस अपनी मनमानी हर जगह कर रही है, पब्लिक उसका शिकार बन रही है, समाज उसका शिकार बन रहा है और उनका कोई अंकुश योगी जी का प्रशासन पर लग नहीं पा रहा। अच्छा, मुरादाबाद की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे आज सभा के दौरान? हाँ, मैं चाहूँगा कि देखिए, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो रहा कि जब आज़ादी के बाद इसका बंटवारा हो गया, ये दो जगह बांट दिया गया, फिर हमें आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए, हिंदू और मुसलमान समय पर बना दिया जाता है, वोट ले लिया जाता है। इस देश की जनता से और समाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब भाई बहन हैं, गंगा जमुनी सभ्यता में रहते सीखते आए हैं। अकबर का सेनापति हिंदू था राजा मान सिंह, वहीं राणा प्रताप का सेनापति मुसलमान था बहादुर खां। हम लोग कहाँ इस भेदभाव को शुरू में मानते थे, हजारों हजार साल से हमारा ये इतिहास कहता आ रहा है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते आए हैं। होली त्यौहार, ईद, बकरीद, दिवाली सब साथ साथ मनाते आए हैं, सब एक दूसरे का मुँह मीठा करते आए हैं, कराते आए हैं। हम आज हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई घर वाला बीमार हो जाए तो लेके अच्छे डॉक्टर की तरफ को दौड़ते हैं। हम नहीं पूछते हैं कि हिंदू है डॉक्टर या मुसलमान है या किस बिरादरी का है। हमें आज घर में पूजा पाठ कराना होता है, मुसलमान अपने घर में न्यास कराते हैं, हिंदू भाई अपने घर में हवन और वो कराते हैं, तो वो जो गेहूं आता है हम नहीं पता करते कि ये गेहूं मुसलमान के खेत से आया है, हिंदू के हाथ से आया है, उसे कहीं गंगा जल में हम दुर्वा के नहीं पिसवाते, कहीं आर्विदन्यों में पवित्र करके हम नहीं पिसवाते, हम उसी का भोग लगाते हैं, उसी से अपना धर्म बचाते हैं हम।
लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है तो हम हिंदू और मुसलमान बन जाते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट होने लगता है। हिंदुओं ने अगर मुसलमान को वोट दे दिया, मुसलमान ने, और मौजूदा सरकार जो चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, यही सिद्धांत अपनाए हुए हैं और इसी पर राजनीति वो कर रहे हैं। उन्हें किसी तरह से इस देश में हिंदू और मुसलमान को अलग अलग खड़ा करना है ताकि वो हिंदुओं के अनुयायी बन सके, रहनुमा बन सके और उसका फायदा उठा सके। ये उनका सीधा साधा सा खेल चल रहा है और हम उसके शिकार हो रहे हैं। मैं समाज से यही कहना चाहूँगा, मैं इस देश के अंदर यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को समझें और समझने के बाद में देखिए, कोई नेता किसी के विरोध में नहीं होता है, बोलते हैं, बयानबाजी करते हैं, लेकिन ना तो कभी मुलायम सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने मायावती को जेल में भेजा, ना कभी मायावती की सरकार बनी तो मुलायम सिंह को जेल में भेजा। ये सब कहने की बातें हुआ करती है, तकरीरों में कहने की होती है, मंच पे कहने की होती है, करता कोई भी नहीं, विरोधी कोई किसी का नहीं है, सब एक है, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं सब, और सब मिल करके हमारे समाज को खाने में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे की पूर्ति करने में लगे हुए हैं।